हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और जैसे कि आप देख सकते हो आज मैं थोड़ी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आया हूं, तो मुझे था कि भाई आपको थोड़े टोरंटो के दर्शन भी करा दे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो मैं स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँगा कि क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आता है लोगों का कि भाई आपको कौन सा एड्रेस डालना होता है राइट कैन के ऊपर, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन का डालना है, 3 डे होटल क्वारंटीन का डालना है, या जो 11 डेज की क्वारंटीन करनी है वहाँ पे डालना है। तो जी उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जहाँ पे आप 11 डे क्वारंटीन करोगे उसी का एड्रेस आपको अराइव कैन के ऊपर डालना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन भर भी दिया अराइव कैन के ऊपर, क्या आप उसको अपडेट कर सकते हो? तो जी आंसर है येस, आप उसको अपडेट कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको ना फिर से अराइव कैन के अंदर जाके अपना अकाउंट बनाना होता है। तो जो सबसे लेटेस्ट अकाउंट होता है वही अराइव कैन आगे आपको प्रोसेस करती है। तो लेट से आपने 2-3 बार अकाउंट बना दिया, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला अकाउंट होगा उसी को अराइव कैन मानेगा। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि भाई क्या हम शेड अपार्टमेंट के अंदर रह सकते हैं, मतलब बेसिकली कि प्राइवेट रूम बट शेड वॉशरूम। तो जी उसका आंसर है येस यू कैन। आपको कुछ एक स्टेप्स ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो मेन एम है क्वारंटीन का, उनको चाहिए है कि जो बंदा है वो आइसोलेटेड रहे। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको प्राइवेट रूम के लिए पक्का करना है, ये ना हो कि उस रूम के अंदर पहले कोई रह रहा हो, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अप्रूव नहीं होगा। सेकेंडली अगर आपके पास शेड वॉशरूम है तो आपको एक कंसेंट लेटर या सपोर्ट लेटर लेना होता है अपने दूसरे जो रूममेट्स हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटिव्स के साथ रह रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो या फैमिली के साथ रह रहे हो, तो उनके साथ उनको क्या बोलना होता है, उनको एक लेटर लिखवाना होता है जिसको कंसेंट लेटर या सपोर्ट लेटर भी बोलते हैं। बेसिकली उसका इंटेंशन क्या है, उसके अंदर लिखा होना चाहिए है कि भाई वो जो पर्सन जो लैंडलॉर्ड है या जो ओनर है हाउस का, दैट पर्सन इज़ अलाउइंग यू या गिविंग यू द कंसेंट कि आप वहाँ पे रह सकते हो। एंड वो ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपके जो COVID-19 प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हो एंड आपको कोई विजिट करने ना आ सके। तो बेसिकली वो ये बोलेंगे कि वो आपका क्वारंटीन का ख्याल रखेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि आप COVID-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो। एंड जैसे कि किचन होता है या वॉशरूम होता है या और कोई शेड स्पेसिस होते हैं, उसको हमेशा डिसइंफेक्ट करेंगे बोथ द पार्टीज, चाहे आप यूज़ कर रहे हो या तो आपके जो दूसरे रूममेट्स हैं या जो हाउसमेट्स हैं वो कर रहे हो, तो उनको डिसइंफेक्ट करके रखना होता है। सो जी जैसे कि आप स्क्रीनशॉट के ऊपर देख सकते हो, एक सैंपल है जिसके अंदर बोला गया है जस्ट टू इन्फॉर्म द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कि ये पर्सन जो है कनाडा के अंदर इस दिन पे आएगा एंड इस लोकेशन के ऊपर रहेगा फॉर द नेक्स्ट 14 डेज, एंड कैसे आएगा वो भी बताया गया है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे बेसिकली जो COVID-19 की गाइडलाइंस है वो, एंड क्या क्या रूम्स की स्पेसिफिकेशन होगी, जैसे कि सेपरेट रूम होगा और अटैच बाथरूम होगा, एंड जो नेसेसिटीज़ है एंड फूड है वो पर्सन आपके लिए प्रोवाइड करके देगा फॉर द नेक्स्ट 14 डेज। सो बेसिकली ये बताया गया है कि वो पर्सन आपका ख्याल रखेंगे एंड किसी को भी आपको मिलने नहीं देंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला था, साइन ऑफ द ओनर एज वेल एज जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर डाल दोगे तो ये हो जाता है जी कंसेंट लेटर या तो सपोर्ट लेटर फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रेंड और फैमिली, ताकि ये एज अ प्रूफ हो सके कि आपका जो क्वारंटीन है वो एक जगह पे फिक्स्ड है एंड द अदर पर्सन इज बैकिंग इट। तो जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा टोरंटो शहर। तो जी ये है बे स्ट्रीट, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, इसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। सो ये जो मोस्टली बिल्डिंग्स है, ये वाली BMO की है, ये वाली TD बैंक की है और ये वाली भी TD बैंक की है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स है TD बैंक की, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी TD बैंक है, ये भी TD बैंक की बिल्डिंग है, ये भी TD बैंक की बिल्डिंग है, ये वाली शायद पता नहीं कौन सी है, पर है तो ये नेशनल बैंक है, याद आया मुझे, नेशनल बैंक की बिल्डिंग है। और बहुत ही अच्छा है डाउनटाउन टोरंटो, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप आते हो तो आई वुड रियली रेकमेंड कि आप आए डाउनटाउन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई आपको ट्रैवल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं। तो आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि भाई मेरे कॉलेज वाले ट्रैवल सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे मैंने मानसी का लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस मानसी ने डिस्कस किए थे जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए होते हैं।
तो जी उसके अंदर उसने बोला था कि उसके कॉलेज जो कि सेंटेनियल कॉलेज है उन्होंने उसको सपोर्ट लेटर दिया था, बट काफ़ी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सपोर्ट लेटर नहीं देती है, ये बोलती है कि भाई ये DLI वाला इंस्टीट्यूट है तो यू डोंट नीड। सो बेसिकली मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर भी स्पेसिफाई किया गया है काफ़ी कॉलेजेस ने कि जो सपोर्ट लेटर्स है वो अब नहीं दे रहे हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है विच इज़ लाइक योर स्टडी वीज़ा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक फी रिसीप्ट, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास वैलिड है एंड अगर वो कंप्लीट है एंड उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आप आ सकते हो। बस आप कॉलेज को एक ईमेल लिख के आ जाओ कि भाई वेदर आई कैन ट्रैवल और नॉट, अगर वो बोलते हैं येस यू कैन ट्रैवल तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन, उसको प्रिंट आउट कर लो वो वाले ईमेल को एंड वो एज अ रिटर्न प्रूफ आपके पास होगा। तो अगर आपको कोई पूछता कि भाई आप क्यों जा रहे हो तो आपके पास वो लेटर होगा, लेटर नहीं होगा तो ईमेल होगा, तो आप उसको प्रिंट करा के लेके जा सकते हो। अगर तो होता है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि, या तो आपको ईमेल खोल के दिखाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ईमेल है आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होके जाओ एंड वो प्रिंट करा के रखो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दिखाते हुए एंड जो दूसरा बंदा चेक कर रहा होगा ऑफिसर उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जी अब मुझे और भी क्वेश्चंस आए थे अराइव कैन के अकॉर्डिंग या जो सारी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग कि लेट से कि भाई मेरा जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो जी अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या आपके प्लान चेंज हो जाते हैं तो अराइव कैन के अंदर आपको कुछ अपडेट नहीं करना, क्योंकि वो अगर आप कैनेडा नहीं पहुंचोगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ऑब्वियसली आपकी होटल की बुकिंग जो है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी एंड अगर फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई है आपने खुद से चेंज किया है तो आपको फ़्लाइट भी कैंसिल करवानी पड़ेगी। बट मेक श्योर कि उस तरीके से करो कि आपको मोस्टली जो रिफ़ंड मिल जाए एंड कोई जेन्युइन रीज़न दोगे तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा, नहीं तो इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। तो जी ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड मुझे जो क्वेश्चंस आए थे ये मैं जैसे बताया इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहे थे। तो जी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। मैं ये तो नहीं बोलता कि मैं सारे लोगों को रिप्लाई करता हूँ क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, तो अभी भी मेरे अकाउंट पे ऑलमोस्ट 500 लोगों ने मैसेज भेजे हुए, तो ईच एंड एवरी पर्सन को तो रिस्पॉन्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे उसका मैं ट्राई करूँ एंड रिस्पॉन्स एज अ वीडियो के अंदर आपको बना के दे दूँ, ताकि जी अगर जब आप आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।